नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ पावर ट्रैक का यूरो 45 फोर व्हील ड्राइव। एक पावर ट्रैक का शानदार मॉडल जो कि 47 एचपी में उपलब्ध है। तीन सिलेंडर इंजन एस्कॉट्स का माइक्रो बॉस पंप के साथ। दोस्तों 2761 सीसी इसका इंजन का क्यूबिक कैपेसिटी जो है, शानदार लुक्स। फोर व्हील ड्राइव मतलब चारों चक्का में आपका पावर रहेगा। किसी भी तरीके का आपका एग्रीकल्चर काम हो गया या ट्रॉली का काम हो गया, बहुत आसानी से निकल जाता है, बहुत आसानी से काम कर लेता है। भरपूर ताकत। आगे का टायर की बात करें तो 8320 का टायर है और पीछे 1428 टायर है। इसका जो मडगार्ड है बहुत ही हेवी किया हुआ है इसमें। दोस्तों इसमें पावर स्टीयरिंग बाय डिफॉल्ट आएगा, जिस कारण से इसमें टैंडम पंप दिया हुआ है। और ग्राउंड क्लियरेंस आप देखिए, बहुत ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है। और फ्रंट व्हील के लिए, फ्रंट व्हील ड्राइव के लिए जो है शैफ्ट नीचे से किया हुआ है। इसका जो फुटरेस्ट है 2 दिया हुआ है। स्टीयरिंग में एक्स्ट्रा नॉब डाल दिया है आसानी से स्टीयरिंग घुमाने के लिए। डिजिटल मीटर और 24x7 केयर डायरेक्ट बटन के साथ किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है आप डायरेक्टली कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हो। इसका जो ख़ास बात है, इसमें शटल गियर है। आपका गाड़ी में हर वक्त गियर चेंज करना नहीं है आपको। जब फ्रंट में जाना है फ्रंट में डाल दीजिए, जब बैक में जाना है रिवर्स में डाल दीजिए, बस हो गया। गियर चेंज करने का कोई दरकार ही नहीं है। 1 2 3 4 गियर आप जैसे हो लगा लो, जिस गियर में आपका काम है। साथ में हैंड ब्रेक दिया हुआ है, कार जैसा फीलिंग्स होगा। ब्रेक आपको पहले में पैडल ब्रेक करना पड़ता था और साथ में लॉक करना था यहाँ पर, जो कि अभी चेंज करके डायरेक्टली हैंड ब्रेक कर दिया है। हाइड्रोलिक का बात करें तो टिपिंग टेलर के लिए एक्स्ट्रा लीवर दिया हुआ है। डुअल एक्टिंग, सिंगल एक्टिंग दोनों टाइप का काम आप कर सकते हो। जब आप टिपिंग टेलर यूज़ कर रहे हो तो सिंगल एक्टिंग लगाना है। और हाइड्रोलिक के लिए 2 लीवर, डिप टर्न रैप कंट्रोल और पोजीशन लीवर। इसका जो क्लच जो है बहुत इजी काम करेगा। और साथ में पीटीओ के लिए इंडिपेंडेंट क्लच दिया हुआ है। पाँच सौ चालीस और 540 ई दो टाइप का पीटीओ मिलेगा इसमें। और मेन जो फोर व्हील ड्राइव जो है वो आप एंगेज डिसएंगेज दोनों ही आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। जब आपका दरकार पड़ेगा तब आप टू व्हील ड्राइव काम के हिसाब से आप फोर व्हील भी एंगेज कर सकते हो। ये जो लीवर है इसको ऊपर खींचना है तो आपका ट्रैक्टर में फोर व्हील एंगेज हो जाएगा, नीचे कर देने से आपका टू व्हील में चल जाएगा। लेग स्पेस बहुत है इसमें, आप देख रहे हो फ्लैट लेग स्पेस दिया हुआ है। गियर जो है आपका साइड लीवर है और साथ में डिफरेंशियल लॉक भी है।
आपको जो बता रहा था केयर डिवाइस का 24x7 केयर डिवाइस, जो कि केवल एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर के साथ ही उपलब्ध है। 10 सेकंड प्रेस करके रखने के बाद इसमें डायरेक्टली कंपनी से कॉल आ जाएगा, तो ड्राइवर जैसा भी कंडीशन में रहेगा गाड़ी, तो आप डायरेक्टली कस्टमर केयर पे कॉल करके बता सकते हो क्या असुविधा हो रहा है, कुछ जानकारी लेना है, डायरेक्ट आप बात कर सकते हो। नमस्कार, आपके द्वारा की गई केयर बटन की टेस्टिंग प्रक्रिया सफल रही। एस्कॉर्ट्स टेक्निकल सपोर्ट सेंटर में संपर्क करने के लिए आपका धन्यवाद। अब ये रोबोट वॉइस में कॉल आता है, क्योंकि इसका जो है अभी तक एक्टिवेट नहीं किया हुआ है। एक्टिवेट करने के बाद डायरेक्टली आप बात कर सकते हो। बैक एंड का बात करें तो बहुत हेवी एक्सेल दिया हुआ है, रियर एक्सेल जो है। ₹47 HP का ट्रैक्टर है। दोस्तों पूरा लुक्स देख सकते हो गाड़ी में। बम्पर जो है 200 केजी का बम्पर है, मतलब आपको सामने में अगर ऊंचा भी है, आपको चढ़ाई उठना है, तो एक्स्ट्रा जो बम्पर वेट आपको डालना है वो एक्स्ट्रा करके कुछ नहीं करना है, जो है कंपनी फिटेड कर दिया है। ट्रॉली में, रोटर में, कल्टी में, किसी भी टाइप का एप्लीकेशन आप आराम से इसमें ऑपरेट कर सकते हो। दोस्तों इसका जो ऑन रोड प्राइस है, अभी आज ये गाड़ी डिलीवरी हो रहा है, तो ये जो गाड़ी है 9,75,000 में आपका ट्रॉली के साथ पूरा कंप्लीट, ट्रॉली का भी नया टायर ट्यूब के साथ, हेवी ट्रॉली है 90 CFT का। धन्यवाद दोस्तों।